हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गांव में चूल्हे पर कैसे खाना बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहां पर मेरी मामी जी देखिए चूल्हा जला रही हैं, आग बाल रही हैं, तो बहुत ही स्ट्रगल का काम होता है। मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मुझसे नहीं जल पाई आग। और ये देखिए, ये है लस्सी बनाने वाली मशीन। जी हाँ, लस्सी बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसको ऑन करके छोड़ देते हैं इस तरह से सेट करके, और फिर लस्सी अलग हो जाती है और मक्खन उसके ऊपर अलग हो जाता है। और अब मैं चूल्हे के पास बैठ चुकी हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो सभी चीज़ें हमने काट ली हैं, लेकिन लहसुन काटना हम भूल गए थे, इसलिए लहसुन ही काट रही हूँ मैं। और चूल्हे पर खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है जिन्होंने कभी बनाया ना हो या फिर प्रैक्टिस ना हो एक्चुअली चूल्हे पर बनाने की। तो ये मैंने लहसुन डाल दिया है, इससे पहले मैंने जीरा और धनिया डाल दिया था। तो ये मैं रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि चूल्हे पर इस तरह से खाना बनाते हैं। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था चूल्हे पे खाना बना के, और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको भी गाँव की यादें ताज़ा हो जाएंगी। और बस फिर यहाँ पे मैं बात करने लग गई मामी जी के साथ, और बस फिर बातें चलती रही इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं लव शर्मा एंड फैमिली ब्लॉग्स। तो अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। चूल्हे पर खाना बनाते हुए मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि नीचे आग तो बहुत ही कम हो गई है, तो इसे भी मेंटेन रखना पड़ता है। कभी ये ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो वो हिसाब से एडजस्ट करने पड़ती है। और यहाँ चूल्हे की आग बिल्कुल ही बुझ चुकी थी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे मतलब जो है जला पाऊँ। तो देखिए साइड में मुझे भैंपड़ा दिखाई दिया, हिमाचली भाषा में इसे जो है भैंपड़ा बोलते हैं, और ये मतलब हवा ब्लो करने के लिए है। और मैंने आग जलाने की कोशिश की और मेरा ध्यान हटा और वो फिर से बुझ चुकी है। और मैं एक बार फिर से कोशिश करते हुए, और काफी मुश्किल काम था आग जलाना, ये देखिए फिर से आग जली है। और शायद लकड़ियाँ आजकल बरसात के मौसम में थोड़ी गीली सूखी होती हैं, इसलिए भी आग बालना मुश्किल हो रहा था। और फिर कोशिश करते हुए, लेकिन इस बार मेरी आंखों में धुआं जाने लगा बहुत ज़्यादा, और बड़ा ही मुश्किल हो गया मेरे लिए आग बालना। और ये देखिए बहुत ही धुआं, एक्चुअली हमें आदत नहीं होती है इसलिए धुआं ज़्यादा लग रहा था। मामी जी ने देखिए मुझे कागज़ दिया कि मैं कागज़ को इस चूल्हे में रखूं, और फिर कागज़ जल्दी से आग पकड़ लेगा, जिसकी मदद से लकड़ियाँ आग पकड़ लेंगी, लेकिन नहीं। तो फिर देखिए मामी जी ने दो ही बार फूंक मारी है और देखिए लकड़ियाँ जलने लगी। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और बस फिर मसाला मेरा रेडी हो चुका था, भिंडी बनाना तो सबसे इजी काम होता है। और फिर मैंने अब सारी भिंडियाँ कढ़ाई में डाल दी हैं, और आग देखिए कितनी तेज़ी से जल रही है अब।
मतलब कि मुझे ही चूल्हा जलाने नहीं आया था अच्छे से, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। और फिर चूल्हे पर दूसरी दाल रख दी गई। यहाँ पर मेरी मौसी देखिए तड़का काट रही हैं और मामी जी काम कर रहे हैं गैस पे, तो दोनों तरफ ही काम करते हैं, चूल्हे पे भी और गैस पे भी। और ये अब मामी जी बना रही हैं रोटियाँ, और धुआं तो इन्हें भी लग रहा है, लेकिन चूल्हे पे बनी हुई रोटियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं, उनका स्वाद ही बहुत अच्छा और अलग होता है। और यहाँ पर मासी जी खाना परोसते हुए, मेरी नानी बैठे हुए हैं, आरव बहुत मज़े कर रहा है, और ये देखिए खाना खाने के लिए रेडी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।